हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री। एक मंकी एक फ्रूट ट्री पर रहता है। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, रिवर बैंक पर यानी कि नदी के किनारे। ही मेड फ्रेंड विद द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से उसकी दोस्ती होती है। एंड देन वो उसको डिलीशियस फ्रूट्स देने लगता है खाने के लिए, और उसकी वाइफ के लिए भी कुछ भेजता है। अब रेगुलरली वो मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं। मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। वो दोनों वो नीचे बैठकर और मंकी ट्री पर बैठकर दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर क्या होता है इस चैप्टर में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये वैसे एक ऐसी कहानी है जो हमने बहुत बार सुन रखी है, चलिए देखते हैं। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक बार एक नदी के किनारे पर एक मंकी मेड अ होम फॉर अ हिमसेल्फ। मंकी ने अपना घर बनाया अपने लिए। इन अ ट्री, पेड़ पर। लेडन विथ फ्रूट्स, वो पेड़ जो फ्रूट्स से फलों से लदा हुआ था। ही लिव्ड इन हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। अब वो वहाँ पर खुशी खुशी रहता था अपने हार्ट कंटेंट, यानी कि दिल भर कर, मन भर कर, खुद की चॉइस के फल खाकर वहाँ पर खुशी खुशी रहता था। मंकी वॉज हैप्पी, मंकी खुश था, लेकिन लोनली भी था, अकेला था और चाहता था कि उसका एक कंपेनियन साथी आ जाए उससे बात करने के लिए, और जिसके साथ वो फ्रूट को शेयर कर सके, फ्रूट्स को शेयर कर सके, बांट सके अपने फ्रूट्स को। लेकिन वहाँ पर आसपास कोई था ही नहीं, इवन कोई दूसरा मंकी तक नहीं था। फिर एक दिन, जब तक एक दिन एक क्रोकोडाइल उसे नहीं दिखा। कहाँ पर? रिवर साइड पर, नदी के किनारे उसको एक क्रोकोडाइल दिखा। उसने मंकी ने क्या कहा? हेलो देयर, नमस्कार, डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? क्रोकोडाइल रिप्लाई करता है बहुत ही पोलाइटली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की नमस्कार। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ, मैं यहाँ पर खाने की तलाश में ही आया हूँ, मेरे लिए खाने की तलाश में आया हूँ और मेरी वाइफ के लिए। नाइस टू मीट टू ऑफर मी फ्रूट, कितने अच्छे हो, तुमने मुझे फ्रूट्स का ऑफ़र दिया है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो मंकी और क्रोकोडाइल। अब मंकी ने प्लक किए, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, कुछ फ्रूट्स अपने पास की ही ब्रांच से, शाखा जो उसके पास में थी उसमें से कुछ फ्रूट्स उसने तोड़े और उनको नीचे फेंक दिया। क्रोकोडाइल को वो फ्रूट्स बहुत ही डिलीशियस लगे। फाउंड यहाँ पर मतलब मिलना नहीं, मतलब किसी चीज़ का लगना। थैंक्स, उसने कहा, क्या मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा तो मुझे कुछ और फ्रूट्स भी मिल सकते हैं? उसने कहा, बिल्कुल मिल सकते हैं, जितना तुम चाहोगे उतना, और थोड़े से तुम अपनी वाइफ के लिए भी ले जा सकते हो। मंकी ने ये कहा उसको, दोबारा ज़रूर आना, डू कम, ज़रूर आना। आई एम रादर लोनली हियर, मैं यहाँ पर वैसे भी बहुत अकेला हूँ। क्रोकोडाइल अब मंकी को रेगुलरली विज़िट करने लगा, यानी रोज़ रोज़ आने लगा वहाँ पर, और फ्रूट्स अपनी पसंद के फ्रूट्स भी खाने लगा जो कि वो उसको फेंक कर देता था। वो उस फ्रूट भी खाने लगा। अब उसने क्या किया, कुछ फ्रूट्स वो अपनी वाइफ के लिए भी लेके गया घर। मंकी और क्रोकोडाइल अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। वो बातें करते थे और कभी भी बातों से थकते भी नहीं थे। वो पता है किसके बारे में बातें करते थे? बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इवन विलेज जो उनके पास में गांव था उसके बारे में भी बातें करते थे। विलेजर्स की जो परेशानियां वो उठा रहे थे, विलेजर्स उसकी बातें करते थे, कैसे वो उनकी फसल को अच्छी क्रॉप्स नहीं हो पा रही थी लैक ऑफ रेन के कारण, बारिश की कमी के कारण अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी, तो वो भी बातें करते थे वो। अब क्या होता है, एक दिन क्रोकोडाइल कुछ ज़्यादा ही देर मंकी के साथ रह गया, मतलब उसके साथ थोड़ी देर ज़्यादा रुक गया। अब उसकी वाइफ अनॉयड मीन्स यहाँ पे गुस्सा हो गई उसका इंतज़ार करते करते, और अपने छोटे से बच्चों को, जो उसके बच्चे थे, जो छोटे बच्चे थे उनको मैनेज करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो गई।
जो अभी अभी हैच किए थे उसने, विच हैड बीन जस्ट हैच्ड। उसने कहा, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर, तुम्हारा ये कौन सा फ्रेंड है जिसके तुम इतने शौकीन हो चुके हो। फिर क्रोकोडाइल बोलता है, ओह ही इज़ वेरी नाइस मंकी, बहुत अच्छा मंकी है वो तो, वो उस फ्रूट ट्री पर रहता है, वो तुम्हारे लिए हर रोज़ फ्रूट्स भी तो भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्री, जो तुम्हारे लिए मैं रोज़ फ्रूट लेके आता हूँ, तुम क्या समझती हो मैं पेड़ पर चढ़कर तुम्हारे लिए लाता हूँ। तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं पेड़ पर चढ़कर तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आऊँ, डू यू? क्या तुम मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? वो फ्रूट्स वो मंकी ही तो देता है तुम्हारे लिए। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा मंकी है। वाइफ ने एक ऑब्वियस सार्कास्म, व्यंग के तौर पर कहा, हाँ बहुत ही बढ़िया मंकी है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, ये मंकी मेरा खाना बन सकता है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं तो बस अब उसका दिल खाना चाहती हूँ। अब देखो क्या बोलता है ये क्रोकोडाइल, क्या रिस्पॉन्स देता है। वॉट अ फुलिश थिंग टू से, तुम कौन सी पागलों जैसी बातें कर रही हो, मूर्खता वाली बातें कर रही हो। क्रोकोडाइल चिल्लाने लगा, मैं अपने फ्रेंड को किल नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, हाँ मुझे भी पसंद है मंकी को खाना, क्योंकि टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर, तुम उसे यहाँ लेकर आओ, वाइफ ने ऑर्डर दिया उसको, मैं उसको यहाँ देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, अच्छा तो मैं यहाँ पर उसको लेके आऊँ ताकि तुम उसको खा सको। नेवर, कभी नहीं लाऊँगा, उसके हस्बैंड ने उसको कहा, मैं मंकी को अपने फ्रेंड को यहाँ पर कभी नहीं लाऊँगा ताकि तुम उसको खा लो, नहीं। अब उसकी वाइफ फ्यूरियस हो गई, फ्यूरियस मीन्स गुस्सा हो गई, और उसने डाइव किया, डाइव मीन्स मतलब पानी में तो थी, पानी के अंदर उसने डाइव कर लिया और अपने आप को कहीं छुपा दिया, बॉटम में, नदी के बिल्कुल तले में अपने आप को छुपा कर बैठ गई, और अपने छोटे छोटे बच्चों को उसके फादर के यानी क्रोकोडाइल के हवाले करके वो अपने आप को छुपा कर बैठ गई। अब क्रोकोडाइल बेचारा सीरियस डिलेमा में पड़ गया, डिलेमा में क्या होता है, कंफ्यूजन, क्या करूँ। वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अपने दोस्त को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो वाइफ का साथ देगा, यानी मंकी को किल कर देगा। शी वॉज हिज वाइफ लाइफ पार्टनर, क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर थी तो उसकी बात तो उसको माननी थी। आई नो इट्स अ सिन, मुझे पता है, बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, सिन मीन्स होता है पाप, मुझे पता है कि फ्रेंड को धोखा देना एक पाप है, लेकिन मेरे पास दूसरी कोई चॉइस भी तो नहीं है, वो अपने आप से ये बोलता है। तो आई विल इन्वाइट द मंकी, मैं मंकी को इन्वाइट करूँगा घर पे, और फिर चलो देखते हैं, सब अच्छा ही होगा। ये कह के वो गया मंकी के पास, और क्या बोलता है मंकी के पास जाके क्या बोलता है, माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर ए मील, मेरी वाइफ तुम्हें खाने पर बुला रही है, मतलब मेरी वाइफ ने तुम्हें इनवाइट किया है खाने पर। डियर फ्रेंड, क्रोकोडाइल ने कहा जब वो मंकी के पास गया अगली बार, तुम ज़रूर चलो मेरे घर पे मेरे साथ आज, विथ प्लेजर, बड़ी खुशी के साथ चलूँगा भाई, मंकी ने कहा, लेकिन मेरे को तैरना थोड़ी ना आता है, आई एम नॉट अ स्विमर, बट लेकिन हाँ तुम्हारी पीठ पर ज़रूर सवारी कर सकता हूँ। तो वो दोनों रवाना हो गए, मंकी उसकी पीठ पर बैठकर चल देता है। अब क्या होता है, मिडल ऑफ द रिवर, अब नदी के बीचों बीच आकर, जहाँ पर करंट मींस जो नदी का जो पानी का बहाव होता है वो बहुत ज़्यादा था, उस बीचों बीच आकर क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, क्रोकोडाइल अपनी इंटेंशन यानी जो उसका इरादा था उसको हाइड नहीं कर सका, छुपा नहीं सका कि मैं तुम्हें क्यों यहाँ पर लेकर आया हूँ।
सॉरी माई फ्रेंड, ही सैड हेजिटेटिंगली, उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा कि मेरे फ्रेंड मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हाँ आई हैव टू गो टू अंडर वाटर नाउ, लेकिन मैं अब अंडर वाटर जाऊँगा, मुझे अंडर वाटर जाना पड़ेगा, पानी के नीचे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए लेकर आया हूँ, मेरी वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी वाइफ तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं रह सकती है, यानी वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, गुड बाय, चलो गुड बाय, मतलब उसको मारता है तो बोलता है कि चलो ठीक है जीवन से तुम्हारी विदाई ले लो। अब मंकी थोड़ा सा डर जाता है कि ये क्या, ये तो कुछ अलग ही इरादे के साथ मुझे यहाँ लेके आया है, और डिस्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन ही वॉज सेंसिबल, थोड़ा सा समझदार था, चालाक था, जैसे कि दूसरे मंकी होते हैं, अपने आप उसने थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखा। शांति के साथ ही उसने कहा, आई हैड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, हाँ वैसे भी मैं कुछ तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए करना चाहता था, यू आर माई ओनली फ्रेंड, क्योंकि तुम ही तो मेरे इकलौते मित्र हो, आफ्टर ऑल वॉट इज़ मंकीज हार्ट कम्पेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, और वैसे भी एक मंकी के हार्ट की, मंकी के दिल की क्या कंपेयर कर सकते हैं उसको एक क्रोकोडाइल की वाइफ से, उसकी लाइफ से, ठीक है, क्रोकोडाइल की वाइफ के लाइफ से क्या कंपेयर कर सकते हैं, मतलब अगर क्रोकोडाइल की वाइफ नाराज़ हो जाए और इधर अगर मंकी को किल करना पड़े तो हम मंकी को किल करना ही बेहतर समझेंगे, यही ज़्यादा बेटर है, बट नाउ फुलिश कुड, बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो भाई, व्हाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ मेरा दिल खाना चाहती है, आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता ना तो मैं अपना दिल अपने साथ ही लेकर आ जाता, बट वेयर इज योर हार्ट, अब क्रोकोडाइल बहुत ही थोड़ा सा वो परेशान हो जाता है, थोड़ा सा वो अचंभे में पड़ जाता है कि दिल साथ में ले आता, मतलब तुम्हारा दिल कहाँ पर है, इनोसेंटली पूछता है क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है और बिल्कुल ही इनोसेंटली, मतलब बहुत ही शराफत के साथ पूछता है कि तुम्हारा दिल कहाँ है फिर, आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मैंने सोचा कि तुम तो अपना दिल साथ में लेकर चलते होंगे, क्योंकि हर कोई तो साथ में लेकर चलता है भाई, ओ ऑफ कोर्स नॉट, उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इट्स देयर ऑन द ट्री, मैं नहीं लेकर साथ चलता हूँ ना, ये तो वहाँ पेड़ पर पड़ा हुआ है मेरा दिल, तो चलो लेट स्विम बैक, चलो वापस चलो, एट वंस तुरंत वापस चलो भाई, गेट इट, चलो लेकर आते हैं वापस, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ इंतज़ार कर रही होगी ना भाई हमारा, चलो दिल लेकर आते हैं और उसको दे देते हैं, रिप्लाइड मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हुए, क्योंकि उसे डर तो लग रहा था लेकिन फिर भी वो अपना दिमाग शांत रख के थोड़ा सा एक आइडिया सोचता है, और ये आइडिया बोलता है कि मैं तो अपना दिल कहाँ पेड़ पर ही टांग कर आया हूँ, पेड़ पर ही रख कर आया हूँ, चलो वापस चलो और लेकर आते हैं उस दिल को। अब क्रोकोडाइल थोड़ा सा मूर्ख था तो बोलता है हाँ ठीक है चलो, ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हे भगवान तुमने कौन सी गलती कर दी, क्रोकोडाइल हिस करता है, वो दोनों मुस्कराते हैं, लाफ मतलब तेज तेज मुस्कराते नहीं हैं, तेज तेज हंसते हैं, एज क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, वो पूरा जैसे यू टर्न, यहाँ जा रहे हैं यू टर्न लिया, पूरा टर्न लेकर वापस पेड़ की तरफ चल देता है, कौन क्रोकोडाइल, क्योंकि मंकी तो उसकी पीठ पर बैठा हुआ था, ये लो यू टर्न कर लेता है, ये देखो अब ये ऐसे टर्न करेगा, ये ऐसे जा रहे हैं, अब ये वापस टर्न करके ये पेड़ की तरफ चल देगा, ठीक है ना, ओके देखते हैं आगे, ये देखो ये रहा पेड़, अब वापस यू टर्न करके पेड़ की तरफ चलेंगे, ओके जब पेड़ के पास रिवर बैंक पर जब नदी के किनारे जैसे ही पहुंचते हैं, मंकी ने तुरंत जंप किया पेड़ पर, एंड हीव्ड अ डीप साय ऑफ रिलीफ, और एक राहत की लंबी सांस ली उसने, ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, उसने एक दो फ्रूट प्लक किए, प्लक मीन्स तोड़े,
जो उसके पास की ब्रांच थी वहाँ से एक दो फ्रूट तोड़े उसने, एंड थ्रोइंग देम डाउन, और उसको नीचे फेंकते हुए क्रोकोडाइल की तरफ उसने कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स रेदर देन माई हार्ट, ये लो अपनी वाइफ को फ्रूट्स खिलाना, मेरा हार्ट खिलाने से अच्छा है ये फ्रूट्स खिलाओ उसको, फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, फ्रेश फ्रूट्स माइंड के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मंकी बोलता है किसको, क्रोकोडाइल को, गुड बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्त, एंड इफ़ यू डोंट माइंड, और अगर तुम बुरा ना मानो, वी डोंट मीट अगेन, अब हम वापस नहीं मिलेंगे कभी, क्योंकि उसने उसको बिट्रे किया है ना, उसको धोखा दिया, एक फ्रेंड को उसने धोखा दिया, वो रोज़ उसको फ्रूट्स खिलाता था और वो उसको मारने चला था, क्या बोलता है, गुड बाय फ्रेंड्स एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, हम दोबारा नहीं मिलेंगे अब। क्रोकोडाइल बेचारा उदास हो जाता है, एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन, और कुछ आंसू बहाता है जो कि ये मगरमच्छी आंसू नहीं थे, ये वाकई में ही असली के आंसू थे, एंड टर्न बैक टू गो होम, और वापस घूम जाता है घर जाने के लिए, ही वॉज इन हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, वो जल्दी जल्दी घर जाता है क्योंकि उसको अपनी वाइफ को कुछ चीज़ें भी बतानी थी, और ये स्टोरी पंचतंत्र से ली गई है। अब बताएं आपको कौन सी चीज़ें उसको बतानी होगी, ये वो यही चीज़ बताएगा कि भाई तुमने आज तुम्हारे कारण मैं आज इतना अच्छा दोस्त खो बैठा हूँ, और सेकंड थिंग कि मंकी का हार्ट कभी भी अलग नहीं होता है, उसके पास ही रहता है, और थर्ड थिंग फ्रूट खाओ, मंकी का हार्ट खाने से अच्छा है फ्रूट्स खाया करो, फ्रूट खाने से दिमाग और शरीर तंदुरुस्त रहता है। चलिए आज इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो को कर लीजिए लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।